दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट के 2.0 एप्लीकेशन से आईपीओ कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन पे जाना है। मोबाइल फ़ोन पे जाने के बाद स्वास्तिका जस्ट ट्रेड 2.0 एप्लीकेशन ओपन करना है। इसके बाद आपको अपना सिंपल सा क्लाइंट कोड डालना है। क्लाइंट कोड डालने के बाद आपको आपको अपना पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको अपना ईयर ऑफ बर्थ डालना है। इसके बाद ओके कर देना है। इसके बाद एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। आपको सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में होम बटन दिखेगा, उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप नीचे जाएंगे, नीचे से 5वें नंबर पे आईपीओ का एक ऑप्शन दिखेगा, उसमें आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। ऊपर की ओर देखेंगे, लिखा है ऑल, लाइव, अपकमिंग, रिसेंटली क्लोज, रिसेंटली लिस्टेड। तो यहाँ पे आपको सारी जानकारी दिख जाएगी कि कौन सा आईपीओ अभी रनिंग में चल रहा है, अपकमिंग आने वाले हैं, रिसेंटली कितने क्लोज हुए हैं और कितने लिस्टेड हुए हैं। तो सिंपल सा मुझे लाइव वाले में क्लिक कर देना है, जो अभी चल रहा है। अभी जो चल रहा है वो सीएमएस इन्फो सिस्टम लिमिटेड का आईपीओ चल रहा है। तो सिंपल सा अगर मुझे अप्लाई करना है तो पहले मैं इसकी डिटेल देखूंगा। डिटेल इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, कितने रुपए, कितने इसका प्राइस बैंड 205 से लेके 216 रुपए। इसमें आपको एक लॉट में 69 क्वांटिटी आएगी, क्वांटिटी लिखी हुई है, और इसमें अमाउंट कितना लगेगा वो भी लिखा हुआ है। सिंपल सा मुझे अप्लाई वाले बटन में क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे आप पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद अगर आपको लॉट्स में जाना है, अगर आपको एक लॉट लेना है, दो लॉट लेना है, तीन लॉट लेना है, तो सिंपल सा इस प्लस वाले बटन में क्लिक करेंगे तो आप जितने लॉट लेना चाहें उतने लॉट इसमें ले सकते हैं। मैक्सिमम आप इसमें 13 लॉट ले सकते हैं। मैक्सिमम में क्लिक करेंगे तो 13 लॉट आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे एक ही लॉट चाहिए, तो हम एक लॉट के लिए अप्लाई करेंगे। 205 से लेकर 216 रुपये तक का है, तो हम इसमें 216 रुपये रखेंगे। उससे नीचे आएंगे, प्रोसीड एंड सेलेक्ट यूपीआई आईडी का ऑप्शन दिखेगा, उसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही आपको अपना यूपीआई आईडी मांगेगा। यहाँ पे आपको अपना यूपीआई आईडी डालना है। आईडी डालने के बाद रिव्यू बाई ऑर्डर में क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे यूपीआई वैलिडेशन का आपको पॉपअप दिखेगा, तो आपको इस पे कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल दिख जाएगी। आपको सबसे नीचे कन्फर्म एंड अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, उसमें आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद ऑर्डर में, ऑर्डर स्टेटस में जाके देखेंगे तो यहाँ पे कैंसिल मॉडिफिकेशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपने यूपीआई में जाना है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा फ़ोनपे की ओर से, इसमें क्लिक करना है। फ़ोनपे ओपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखे रहेगा डिक्लाइन और एक्सेप्ट। अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हैं तो आपका आईपीओ अप्लाई हो जाएगा और आपका जो अमाउंट लग रहा है 14,904 रुपये, ये ब्लॉक हो जाएगा। तो मैं अगर इसको एक्सेप्ट करता हूँ तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। सेटअप ऑटो पे में क्लिक करेंगे तो ये आपका पिन मांगेगा। पिन मांगने के बाद आपका आईपीओ क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। आईपीओ अप्लाई होने के बाद आपको मेल पे और आपके इनबॉक्स में, मैसेज इनबॉक्स में सारी डिटेल देखने को आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आप स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट के एप्लीकेशन से आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।